अब इस डेटा को जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा को अगर हम मतलब चेक करना चाहते हैं इसी डेटा में कि किसकी सैलरी सबसे हाई है, किसकी सैलरी सबसे कम है, कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद आया, तो इस डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें एक फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं कि जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारे सॉर्टिंग के लिए बटन आ गए हैं। यहाँ पर ये हर एक में आ जाएंगे जितने भी कॉलम हैं। या फिर आप ऐसे नहीं करना है तो इसको हम शॉर्ट फिल्टर को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए होम, होम के बाद आया हम यहाँ पर डेटा टैब में आए, डेटा टैब के बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किसकी सैलरी सबसे हाई है, तो हाई है के लिए हम यहाँ पर टोटल सैलरी वाले ऑप्शन पे गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सारा सारी सैलरी का जो अमाउंट है वो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉलर टू लार्ज, लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलर। मान लीजिए हम स्मॉलर टू लार्जेस्ट कर देते हैं, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलर कर देते हैं, तो जो हमारा टॉप पे है जो विनय कुमार है इसका आ गया है आपका 8100 रुपये, जो इसका सैलरी का टोटल है और जो सबसे हाई है। अब इसके लिए अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, देखने के बाद आप इसको कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे, जेड प्रेस करते ही आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब ऐसे ही आप एवरेज सैलरी में कर सकते हैं। मान लीजिए एवरेज सैलरी ओवरऑल किसका कम है ज़्यादा है, तो इसमें हम लगाते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे ऊपर आएगा आपका सबसे कम और सबसे नीचे आएगा सबसे ज़्यादा, तो ये विनय कुमार का है। इसी प्रकार से इस डेटा में अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट करने के लिए डेटा को अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट करने के लिए हम पहले सबसे पहले जैसे यहाँ पर फिल्टर को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे, इसको हटा दिया। अब यहाँ पर अगर इसको हम लाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल फिर से प्रेस कर देंगे और यहाँ पर सॉर्ट पे गए। सॉर्ट में देखिए हम चाहते हैं यहाँ पर टोटल सैलरी को, यहाँ पर आपको टोटल सैलरी का टोटल दिख रहा है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ पर ही कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा कि जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है वो आपको दिखने लगेगी। अगर हम ये इसके अलावा इसको हम नहीं चाहते हैं इसको करना तो हम कंट्रोल जेड से नॉर्मल कर देंगे। अब सारे फिल्टर को कंट्रोल शिफ्ट एल से हटा देंगे। अब हम जो अभी हमारा ये ऑर्डर कंट्रोल जेड फिर से प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल फिल्टर हटा दें। हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो सीरियल है ये सीरियल ख़राब हो और या जो सीरियल का ऑर्डर बिगड़े, तो इसके लिए हम इसको सॉर्ट करेंगे और इसमें जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उसको देखना अगर चाहते हैं तो इसके लिए हम सॉर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन ये आप देखिए ये जो बड़ा डेटा है उस पर काम नहीं करता है, स्मॉल डेटा पर काम करता है, तो इसमें आप सॉर्ट पर गए तो हम सबसे पहले ऑप्शन में तो सीरियल नंबर को ही रखेंगे कि सीरियल नंबर होना चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नेक्स्ट ऐड किया यहाँ पर सैलरी टोटल, ये आना चाहिए हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें इसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। अब इसमें आप देखेंगे दूसरा इसके बाद अगर हमें सॉर्टिंग नहीं चाहिए तो हम इसको कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके नॉर्मल कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको दूसरे टाइप से हम इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम मतलब टोटल सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर होम टैब में गए, होम टैब के बाद यहाँ पर देखिए आप देख रहा है और एक ऑप्शन दिख रहा है आपको जैसे दिखा देते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको कंडीशन फॉरवर्डिंग, इसका यूज करेंगे। इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंडीशन फॉरवर्डिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल्स टॉप बॉटम रूल्स, तो हमें जाएंगे यहाँ पे नीचे आए कलर स्केल पर क्लिक करेंगे। कलर स्केल में देखिए यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट होगी वैल्यू वो ग्रीन होगी, जो सबसे लोएस्ट होगी वो रेड होगी, या फिर दूसरा कलर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट है वो रेड है, तो हम आपको सिंपली इस वाला ऑप्शन ले लेते हैं कि
इसमें आप क्विक देख सकते हैं कि जो ग्रीन है वो सबका आपका सबसे ज़्यादा है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद दूसरा ऑप्शन आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में मान लीजिए इसी टेबल में आपको याद आया कि हमें एक कॉलम और जोड़ना था। जैसे मान लो ये अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, और अगर आपको मान लीजिए इसमें सरनेम भी ऐड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करिए। मान लो डी के पहले जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम देके रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर नहीं नाम देना है तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हटाना चाहते हैं किसी भी कॉलम को, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे डिलीट कॉलम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इसी कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। अब सेम इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जो फोर्थ रो है, इसके बाद अगर किसी रो को इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर प्रेस करेंगे, तो ये जो आपका फोर्थ के ऊपर आएगा, ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब एक्चुअली इसमें वैल्यू तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे ये जीरो और ये सिंबल शो कर रहा है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसी सेवन नंबर की रो को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, तो ये डिलीट भी हो जाएगी। ये अगर और मैन्युअली भी ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको एक नीचे इंसर्ट कराना है तो सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, तो एक नीचे और इंसर्ट हो गई, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें अगर हम इसी टेबल में हम चेक करना चाहते हैं कि किसी भी आपके रो या कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, कोई एंट्री डुप्लीकेट डबल एंट्री तो नहीं हो गई है, तो जैसे हम इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये तो फर्स्ट नेम किसी के भी सेम हो सकते हैं या फिर लास्ट नेम किसी के भी सेम हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको करते हैं फुल नेम पे। तो फुल नेम को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक एरो सेल में प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो क्लिक करेंगे, तो पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है कि किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को ये आसानी से फाइंड कर सकता है, वो भी कलर वाइज। यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक किया, अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू दिखेगी तो ये किस कलर में दिखेगी, आपको यहाँ पर कलर भी ले सकते हैं, अपना कस्टम कलर भी दिखा सकते हैं, जैसे लाइट रेड फिल, जैसे तो जो अभी दे रखा है वो सही है। तो मैंने यहाँ पर देखा तो देखिए यहाँ पर ये जो रूपक कुमार नाम का है, इनका डबल एंट्री है और ये दोबारा से दिख रहा है, ये आपको यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें अपनी पूरी टेबल में से किसी भी डुप्लीकेट को डिलीट करना है जो कि जिसके सारे कॉलम में सेम वैल्यू हो, तो इसको चेक करने के लिए हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए जैसे सीरियल नंबर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्रेस करके राइट और डाउन एरो किया, तो पूरा हमारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर डेटा टैब में गए, डेटा टैब में एक ऑप्शन होगा रिमूव डुप्लीकेट का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप सीरियल नंबर लास्ट नेम सेल में पूरे टेबल के सारे टैब सारे कॉलम सेलेक्ट हैं। अब इसमें सारे कॉलम में जो वैल्यू सेम होगी वही डिलीट होगी, अदरवाइज वो डिलीट नहीं, अगर कहीं से भी मिसमैच हुआ तो वो डिलीट नहीं होगी। तो हमारे सारे कॉलम सेलेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, ये इसमें आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आर रिमूव्ड, सिक्स यूनिक वैल्यू रिमाइंड, तो जो आपकी सिक्स वैल्यू है वो रह गई हैं, बाकी वन वैल्यू डिलीट कर दी है उन्होंने, ये लास्ट में नीचे जो मैंने अभी ऐड की थी इसको उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके बाद अगर हम टेबल को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे आपने जो हेडिंग दी है हेडिंग को भी हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट करा देते हैं। जैसे इंसर्ट कराने के बाद हम इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, जैसे अभी दे रखा है हमने ऑफिस डेटा स्टाफ, ऑफिस स्टाफ डेटा, इसको हटा के आप यहाँ पर दे सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन। अब ये हो गया, इसको आप होम टैब में जाके कोई सा भी कलर असाइन कर सकते हैं, ये कलर दे दिया, या फिर आप इसको थोड़ा और नीचे लाना चाहें तो शिफ्ट दबा के इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिया, मर्जेंट सेंटर कर दिया,
अब ये नीचे नीचे आ रहा है तो इसको हम सेंटर में ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ टेबल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं रूपक रूपक कुमार हैज द हाईएस्ट सैलरी। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओवरलैप हो रहा है कई सेलों में। अगर हम इसको एक ही सेल में लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, मैं आपको वैसे भी दिखा दूँ, एक ऑप्शन आता है ये रैप टेस्ट का। तो रैप टेस्ट का यूज करके जैसे रैप टेस्ट इसको सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट किया और रैप टेस्ट कर दिया, देखिए आपका ये ऐसे शो होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको इसका आपका या रो की साइज ज़्यादा हो रही है तो आप दो तीन सेल को सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर कर सकते हैं और रैप टेस्ट को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो गया तो इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा।